अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये महाराष्ट्रियन लुक बताने वाली हूँ कि हम कैसे महाराष्ट्रियन लुक कर सकते हैं इस गणेश चतुर्थी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। वीडियो हेल्पफुल होती है, अच्छी लगती है, तो चलिए इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र मैं अपना जो लगाती हूँ वही मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड ये साड़ी ना मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर करी है एंड बहुत टाइम लग गया था। समझो मैंने ये वीडियो आई थिंक सो कि 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी। मुझे नॉर्मल साड़ी भी पहननी नहीं आती थी। नया मैंने प्राइमर के लिए लिया एलोवेरा जेल, आप कोई भी प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार मेरी एक ये साड़ी पहनने के लिए तो यार एक लाइक कर देना। एंड ये जो ट्यूटोरियल है, एक फ्रेंड है, एक स्पेशल पर्सन है जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि वो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ट्यूटोरियल ट्राई करूँ, ये लुक को ट्राई करूँ। एंड कसम से यार इतनी मेहनत लगी ना इस साड़ी पहनने में, आपको क्या बताऊँ। तो उस यार मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। फुल लुक भी आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, तो कैसा लगा है आपको लुक मुझे कमेंट में भी बताएगा। यहाँ पर मैं ब्राउज़ को फिल कर ले रही हूँ अपनी ADS पेंसिल से। मैं जितना हो सकता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ जो बहुत ही हाई रेंज का हो, बहुत ही हाई आपको पे करना पड़े उसके लिए। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरी ब्राउज़ हो गई है फिल। एक्चुअली यहाँ पे मैं अपनी स्पूली ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। एंड यहाँ पे मैंने पहले कंसीलर ले लिया है एंड कंसीलर को मैं डॉट एक्चुअली कंसीलर नहीं, इसे स्टिक है, इसे मैं आज एज अ फाउंडेशन भी लगाने वाली हूँ। ये मेरी फेवरेट स्टिक है, आप लोग देख सकते हो कितना फ़नी जैसा यू नो इसका शेप आया है। एंड इसीलिए मैंने और ज़्यादा इसको इस तरीके से लगाया था क्योंकि बहुत फ़नी दिख रहा था ये। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी वो नहीं करना है यू नो क्या बोलते हैं इसको, घिसना नहीं है। आपको सिर्फ ब्लेंड करना है अपने फेस पे, जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ना वैसे ही ब्लेंड करना। आप कवरेज देख सकते हो उसकी, मतलब वाव कवरेज है, बिल्कुल वाव बोले तो इतनी अच्छी कवरेज दी है इसे मैंने अपने नेक पे, अपने फेस पे सब जगह अप्लाई कर लिया। रेवलॉन का टच एंड ग्लू कंसीलर स्टिक है, इसे ही मैंने एज अ कंसीलर भी अप्लाई कर लेना है। हर जगह मैंने ये सर्कल बना लिए हैं एज अ फन के लिए सिर्फ। एंड इसे मैं अच्छे से अपने अंडर आई एरिया पर भी ब्लेंड कर ले रही हूँ, अपने नोज़ पर भी ब्लेंड कर लूँगी, अपने जो चिन है वहाँ पर भी ब्लेंड कर लूँगी। जितने हाइलाइटेड एरियाज़ हैं मैंने वहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। एंड अगर आपके कोई भी डार्क स्पॉट है तो आप ऑरेंज कंसीलर पहले यूज़ करो, डार्क सर्कल है तो ऑरेंज कंसीलर पहले यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने वाइट टोन के पाउडर से अपने फेस पे बेकिंग कर ली है क्योंकि बेकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे हमारा जो एरिया है ना ये बहुत अच्छे से सेट होता है एंड अगर हाईलाइट करना है तो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। एंड यहाँ पर जो बचा हुआ पाउडर था उसे मैंने अपने कंसीलर को सेट कर लिया इस पर आई शेडो के लिए। तो एक्चुअली मेरी ये साड़ी मुझसे संभल नहीं रही थी क्योंकि ये सिल्क की है यार, खुद समझ सकते हो फर्स्ट टाइम वेयर की है तो क्या हाल हो रखा होगा मेरा। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये रेड कलर का आई शेडो लिया है HR पैलेट से, इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने क्रीज लाइन पे एंड अपने आउटर कॉर्नर पे, आउटर वी कॉर्नर पे, क्योंकि मैंने रेड साड़ी वेयर करी है एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैं रेड एंड गोल्डन ही आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एंड गणपति बप्पा का फेवरेट जो कलर है वो भी मैंने ज़्यादातर मूर्तियों में रेड एंड गोल्डन ही देखा है, तो इसलिए मैं इस लुक को ना पूरा उनके ही ऊपर आप बोल सकते हो डेडिकेट कर रही हूँ। तो इसीलिए ही मैंने इस तरीके का लुक रिक्रिएट किया है, रिक्रिएट नहीं क्रिएट किया है क्योंकि ये मेरा अपना ही लुक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे रेड कलर का मैंने अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। सेकंड आई की तरफ भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। और आज मैं सच में पूरा जो ट्यूटोरियल है ना वो मैंने कैमरे के सामने ही किया है क्योंकि मैं उठने के लायक ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा इस साड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी ना कि मैं ऐसे हमेशा सेकंड आई मेकअप कैमरे के ऑफ कैमरा करके कर लेती हूँ, बट आज मैंने सब कुछ कैमरे के सामने किया है क्योंकि मैं उठ करके अपनी साड़ी ख़राब नहीं करना चाहती थी। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही इजी लुक है, कोई कट क्रीज नहीं करनी है, बहुत पिगमेंटेड आई शेडो है ये, इसमें आपको कोई कट क्रीज भी मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे गोल्डन कलर लेना है एंड उसके बाद में आपको अपने इनर जो कॉर्नर है ना, इनर वी कॉर्नर, वहाँ से आपको अपनी आईलिड तक के लगा लेना है। देख रहे हो आप जैसे मैंने लगाया है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर्स हैं इसके, जितने भी मेटालिक शेड है ना बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अभी तो मैं एज अ ब्रश के हेल्प से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रॉपर शेप चाहिए। अगर आपको जस्ट बीच में लगाना है तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से लगाना, सोचो ब्रश से इतना अच्छा पिगमेंटेड शेड आ रहा है तो हैंड से अपनी फिंगर से कितना पिगमेंटेड होगा। उसके बाद में दोनों साइड में मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी।
लगाने के बाद में फिर से मैं ब्लेंड करूँगी इन शेड्स को आपस में, ताकि जितना भी मेरा आई लुक है ना वो एक के बाद एक कलर्स लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने एक कलर के ऊपर एक कलर थोप दिया है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक साफ़ ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। कोई कलर नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है आपको, बस क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए एंड उससे ही कलर्स को आपस में मर्ज कर देना है आपको, जैसे मैं मर्ज कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे कलर्स मर्ज हो गए हैं एंड उसके बाद में मैं करने वाली हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे भी रेड कलर अप्लाई। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है आपको, अंदर वाले पोर्शन समझिए आपको हाफ़ करना है, हाफ़ में आपको रेड कलर अप्लाई करना है एंड ब्लेंड भी करना है। ये मेरा फ्लैट ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश का भी हेल्प कर देता है, क्योंकि ये थोड़ा सी नो आगे से ब्लेंडिंग ब्रश की तरह ही बना हुआ है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो मैंने हटा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सी और ब्लेंड कर लूँगी अपने कॉर्नर्स को, और शार्प दिखाने के लिए और नीट दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने जितनी बेकिंग करी थी उस पाउडर को मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। अभी आप खुद फ़र्क देख पाओगे कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा मेरी जो हाइलाइटेड एरियाज हैं उन पर। तो यहाँ पे मेरा जो पूरा जो आप देख सकते हो मैंने डस्ट ऑफ करने के बाद में अच्छे से जितना भी एक्सेस था उसे भी निकाल दिया। देन मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए भी उसी पैलेट में से लिया है ऑरेंज कोरल शेड, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। मुझे यू नो ऑरेंज ब्लश एंड पीच ब्लश बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज शेड लिया एज अ ब्लश एंड आज थोड़ा सी ब्लश ज़्यादा लगाएंगे। वैसे मैं नॉर्मली इतना ब्लश नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लश इतना कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सी ज़्यादा लगाएंगे ब्लश हम। तो आज मैंने थोड़ा सी ज़्यादा ब्लश लगाया है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिया है ये लाइनर, NYB का लाइनर है, विंग लाइनर हम ड्रॉ कर लेंगे। नहीं पहले चलिए हम यहाँ पे ऑरेंज जो है ना जो अपना सॉरी ऑरेंज बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे गोल्डन जो हमने कलर ऊपर लगाया था ना वो पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम लाइनर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटेड पॉइंट्स को भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, अपने ब्राउज को मैंने हाईलाइट कर लिया, इनर कॉर्नर मैं बाद में हाईलाइट करूँगी क्योंकि इनर कॉर्नर के लिए मैं यही गोल्डन कलर नहीं ले सकती हूँ। देन उसके बाद में हम यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे। आईलाइनर मेरा NYB का है, जो मैं ऑलवेज यही आईलाइनर यूज़ करती हूँ, आपने ज़्यादातर यही देखा होगा एंड बहुत ही अच्छा लाइनर है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है, आप इसकी छोटी पैकेजिंग भी ले सकते हो एंड लैक्मे इंस्टा जैसा ही आईलाइनर है समझो आप। एंड उससे मतलब कि इसका जो ब्रश है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सी लंबा है जिससे मुझे होल्ड करने में काफ़ी ईजी रहती है, मेरे कंट्रोल रहता है मेरे हैंड्स के ऊपर एंड अच्छे से लाइनर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है दोनों आइज़ में। एंड प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है। 3 घंटे की वीडियो को 11 मिनट में आप देख रहे हो एंड अगर मैं साड़ी पहनने की वीडियो दिखा देती ना आपको तो आप सोचो क्या ही मैं बताऊँ कि इतनी ज़्यादा मैंने मेस करा था ना साड़ी पहनने के टाइम पे। उसके बाद तो प्लीज़ यार एक लाइक तो कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पे मैंने सेकंड आई में भी लाइनर अपना अप्लाई कर लिया है एंड लाइनर आपको बहुत ही अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिए एंड आप देख सकते हो मेरा आई लुक कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, बिल्कुल पूजा रेडी लुक है। एंड अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सिंपल रख सकते हो एज योर चॉइस एंड यहाँ पर मैं लैशेज कर्ल कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मस्कारा अप्लाई करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने लैशेज को कर्ल कर लिया है। अगर आपके पास लैशेस कर्लर नहीं है तो ख़रीद लो यार, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है इससे, बहुत ही अच्छे से लैशेस कर्ल हो जाती हैं। देन उसके बाद में मस्कारा कर लेंगे अप्लाई, मस्कारा की कोटिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर एक बार में मस्कारा की कोटिंग नहीं होती है सही तो आप दोबारा भी मस्कारा लगा सकते हो, बट तब जब थक के आपका मस्कारा सूखे ना, वरना बहुत ही ख़राब एंड पैची सा लगेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने अच्छे से मस्कारा को अप्लाई कर लिया है। मस्कारा को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी जो लैशेस होती हैं वो यू नो आई शेडो के बाद में बहुत कम लगने लगती है, क्योंकि आई शेडो इतना भारी हो जाता है कि हमारी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी छोटी लगने लगती है। इसलिए अगर लैशेस को बड़ा दिखाने के लिए हमें मस्कारा अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो मेरी लैशेस में कितना फ़र्क आ गया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी लैशेस को कर कर लिया है, अभी आप देख लो कितना ज़्यादा फ़र्क आया है मेरी लैशेस में। एंड उसके बाद में
यहाँ पे हमने ले लिया अपना हाईलाइटर, हाईलाइटर से अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को कर लेंगे हम हाईलाइट। जितने भी मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन सभी को हाईलाइट कर लेंगे। अपने इनर कॉर्नर को भी मैं इसी से हाईलाइटर से ही हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ये हाईलाइटर सिल्वर कलर का है जो कि मेरे गोल्डन कलर से थोड़ा सी वो हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर गोल्डन कलर से अपने इनर कॉर्नर साइज़ के हाईलाइट करती तो इतना ज़्यादा मेरी आइज़ पॉप आउट नहीं होती, इसलिए मैं सिल्वर कलर से ही हाईलाइट करूँगी ताकि आइज़ थोड़ी सी पॉप आउट हो। उसके बाद में सारे अच्छे से जितना भी मेकअप लगाया उसे ब्लेंड कर लिया मैंने यहाँ पर। देन यहाँ पे मैं काजल भी अप्लाई कर लूँगी। ये मैंने जेल लाइनर लिया है। वैसे तो मैं काजल बहुत कम अप्लाई करना पसंद करती हूँ, लेकिन इस लुक के लिए काजल थोड़ा सी कंप्लीटेड लुक देता। तो यहाँ पे मैंने जेल लाइनर अप्लाई कर लिया है अपने वाटर लाइन पे। आप चाहो तो वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें ब्लैक ही सूट कर रहा था तो मैंने ब्लैक ही लगाया है। आप काजल को अपने अकॉर्डिंग मोटा पतला कर सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा मोटा नहीं पसंद है तो मैं बहुत ही ज़्यादा पतला काजल अप्लाई करती हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने जो इनर कॉर्नर से ना आइज़ के उसे मैं हाईलाइट कर लूँगी। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक ये अभी से लग रहा है। देन उसके बाद में यहाँ पे हमने लिपस्टिक अप्लाई करी हुडा ब्यूटी की। ये मरून शेड की लिपस्टिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक है। यहाँ लिपस्टिक के बाद मेरा लुक होता है कंप्लीट। आप मेरा फुल लुक देख सकते हो, कैसा लग रहा है आपको लुक बताएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।